46 ईयर्स से कर रहा हूँ। 46 ईयर्स से। अभी 53, 54 है। मुझे अभी भी गर्मी लग रही है यहाँ पे। वेलकम टू द मॉर्निंग रिपोर्ट। मॉर्निंग रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। ये सब सामान बेचने के लिए रखे हुए हैं। इनका काफ़ी ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। स्टोर रूम में है कुछ इधर। ये देखिए स्टोर रूम पूरा खचाखच भरा हुआ है। अलग ही नज़ारा है। आज मैं पहुंचा हूं पोटरी वर्कशॉप में। एक पोटरी एरिया है बेंगलोर में, उसी जगह से मैं आपको दिखा रहा हूं पोटरी का सामान कैसे बनता है यहां पे। आइए आगे चल के देखते हैं। मिट्टी मिक्स करने का मशीन है ये, जिसमें मिट्टी यहाँ से डाल के साइड से निकालते हैं पूरा स्मूथनेस देने के लिए। क्या नाम है आपका? राजशेखर। आप बताएंगे ये कब से कर रहे हैं आप ये? बचपन से कर रहा सर, 46 ईयर्स से कर रहा हूँ। 46 ईयर्स से? 53, 54 है। तो इस एरिया में इसी जगह पे? फिफ्थ जनरेशन। तो ये कहाँ कहाँ पे सप्लाई होता है ये सामान? मेरा एक ही ऑर्डर को जाता सर, भारतीय जलपाल। तो एट ब्रांचेस है उनका। एट ब्रांचेस में सप्लाई। तो ये क्या पानी उनी पीने के लिए या किसके लिए? नहीं, ये रबड़ी स्वीट्स के लिए है। अच्छा। और चाय कूलर, लस्सी ग्लास और बिरयानी बॉल चार के लिए बनाता है। और ये एक दिन में कितना सेल हो जाता है? सेल नहीं, रेगुलर सप्लाई होते रहता है उनको। एक दिन में कितना रहता है? वीकली वॉस जाता है, 15,000 पीस जाता है। 15,000। और वो होटल छोड़ के और कहीं पे भी आप सप्लाई करते हैं? नहीं होता, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा इतना है। अच्छा। और आप बता सकते हैं मिट्टी उट्टी का कहाँ से लेके आते हैं? मिट्टी आउटस्कर्ट से, बेंगलोर से सप्लाई होता है। तो इसका भी 60-70 किलोमीटर आगे। हाँ, आउटस्कर्ट के साइड से। तो उसका भी टीम है जो लेके आते हैं? रेगुलर सप्लायर है। अच्छा। फोन करने से लेके आता है, 2 डेज बिफोर इंटीमेशन देना है। तो मिट्टी के क्वालिटी में कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं 46 ईयर्स? मिल जाता है सर। पहले जैसे नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो गया ना आसपास। और कितना बजे तक आप होते हैं? 14 आवर्स काम करते हैं। 14 आवर्स? सैटरडे संडे सब? सब नहीं सर, छुट्टी नहीं रहता। इसमें क्या मिट्टी नीचे से अपने आप? नीचे से नहीं है, मेटल प्लेट है इसके ऊपर, इधर से इधर तक है। मिट्टी काली होने के बाद फिर उधर से मिट्टी फिक्स हो जाएगी, इसमें डालते हैं। तो मिट्टी के नीचे से आते रहते हैं क्या? नहीं सर, ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर चिपका हुआ है। अच्छा, चिपका हुआ बस है। और एक 10-15 पीस हो जाएगा फिर वो नीचे का मिट्टी इसके ऊपर लगाना पड़ता है। अभी तो दोबारा नहीं लगा होगा? नहीं। ब्रेक। और क्या क्या आइटम बनाते हैं? कस्टमर सब करते हैं।
ये देखिए ये बना के यहाँ पे रेडी करके रखे हुए हैं डिफरेंट शेप्स साइजेस के। काफ़ी पुरानी मार्केट है बेंगलोर के अंदर। सारे घरों में अगर आप देखेंगे ऊपर ऊपर तक तो हर जगह पर आपको मिलेगा ये पॉटरी का सामान। तो मिस्टर राजशेखर बता लें आप। राजशेखर दिखाने लेके जा रहे हैं यहाँ का भट्टी, जहाँ पे कुछ दिन एक दो दिन रखने के बाद इसको फिर गर्म करते हैं, तो देखेंगे भट्टी कैसे दिखता है। आज ऑन नहीं है क्या? नहीं, अच्छा इसे कामन भट्टी होता है सबका, देख लीजिए। हाँ दो भट्टी है। अच्छा अभी बंद है, हो सकते है संडे के लिए। मुझे अभी भी गर्मी लग रही है यहाँ पे, कुछ आवाज़ें आ रही है, हो सकता है कुत्ते उत्ते कोई सो रहा होगा। वो भी दो भट्टी है, ये पहला भट्टी ये तो टूट चुका है और दूसरा ये। मुझे आइडिया नहीं था बेंगलोर के अंदर इतना बड़ा मार्केट है, हो सकता है पहली बार मैं इस एरिया में आ रहा हूँ। यहाँ पे भी सुखाने के लिए रखे हैं, सुखाने के बाद अंदर लेके जाएंगे। मतलब वो जैसे बता रहे थे एक दो दिन के बाद सुखाने के बाद और फिर भट्टी में डालते हैं। सो दिस इज द मार्केट, पोट्री मार्केट ऑफ बेंगलोर। विद दिस इज विक्रम राउत साइनिंग ऑफ फ्रॉम द मॉर्निंग रिपोर्ट।